अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और ये है आइकिया ब्लॉग का पार्ट टू। और पार्ट वन को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया और उसमें माशाल्लाह से व्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह 1K व्यूज़ आ गए। तो फिर ये हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा स्टोर है आइकिया, और इसको कवर करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि हम लोग थक भी बहुत गए थे। तो फिलहाल मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दिखाती हूँ इसमें। फिर हम लोग लैम्प्स के सेक्शन में गए थे और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर स्टैंडिंग लैम्प्स, साइड टेबल लैम्प्स, आप लोग चाहे तो लिविंग रूम्स के लिए देखें यहाँ पर डिज़ाइंस, अपने स्टडी रूम्स के लिए, तो होम थिएटर्स के लिए, मतलब बहुत ही खूबसूरत जो है ना यहाँ पर डिज़ाइंस मौजूद थे। और थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन यहाँ पर अच्छी प्रमोशंस लगती रहती हैं, तो आप लोग उसमें 30% या 50% ऑफ पे भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लैम्प्स यहाँ पर लगे हुए थे, रिजनेबल प्राइस के वाले भी थे। तो इस तरीके से हम आके मूव ऑन हुए। फिर उमर विल स्लीप नीचे और यू विल स्लीप ऊपर। ओके। और अब हम ये आगे बास्केट्स के सेक्शंस में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ थी बास्केट्स की, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इसको एज ए स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर लें या डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लें, इट्स फॉर ऑल पर्पज़। तो बहुत अच्छे डिज़ाइन है। फिर ये काऊ की स्किन की ये कारपेट सी जो कि 849 दिरहम की थी। आप इसको एज ए सेंटर एरिया में अपने लिविंग रूम में आप इसको डालें या फिर ड्राइंग रूम में डालिए। और साथ में ये कारपेट्स आप देख सकते हैं, ये ईरानी कारपेट्स, यहाँ पर टर्किश कारपेट और अफ़गानी कारपेट्स भी थी, जिनकी क्वालिटी तो आपको पता है अफ़गानी और टर्किश कारपेट्स की क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग होती है। और मुझे स्पेशली जो है ना ये काओ की जो कारपेट्स थी, ये काओ की स्किन की, मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट इट वॉज़ सो मच एक्सपेंसिव। तो जब कभी प्रमोशन लगेगी तो इंशाल्लाह मैं इसको, हो सकता है कि मैं इसे अवेल कर लूँ। और ये आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत डिज़ाइन से। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें नज़र आई थी, वो थी कि कारपेट जैसे स्लिप हो जाती है तो उसको स्लिप से, मतलब एंटी स्लिप एक हमें मटेरियल मिला जिसको बिछाने से जो है ना, कारपेट के नीचे बिछाने से कारपेट स्लिप नहीं होती। ये वो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं ग्रे कलर का है ये। और ये जैसे ही हम फ्लोर, मैंने ये लिया और मैं लेकर आई और मैंने जैसे ही इसको अपने फ्लोर पे बिछाया और फिर उसके ऊपर कारपेट डाली तो कारपेट बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुई। तो ये एंटी स्लिप है, इस तरह से इसमें नाम भी लिखा हुआ है। और ये कारपेट को, ये भी एक और मटेरियल भी था लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, तो ये जितनी ग्रे वाली की क्वालिटी अच्छी थी। इसमें साइज़ अवेलेबल होते हैं आपकी, जो भी मेजरमेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि आप फुल अपने कारपेट का साइज़ कर लें, बस आपको इतना हिस्सा लेना है कि जिसके ऊपर जब आप कारपेट बिछाएं तो वो, मैंने सेंटर पर बिछाया था तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुआ, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने खूबसूरत से जो है ना, ये सीट पे रखने के कुशन्स थे और फ्लोर कुशन्स भी थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटर्स भी थे, तो अमेजिंग डिज़ाइन से। मींस आप लोग यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल भी मिल रहे थे, हाई एंड्स और लो एंड्स प्राइसेस भी हैं यहाँ पर। तो जैसे भी आप जाएंगे तो एक चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी खर्च करते तो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती जो कि आपकी लॉन्ग टर्म यूज़ होगी। और ये इतना बड़ा इनका वेयर हाउस पीछे था, ये सारी चीज़ें इनके हर एक सेक्शन से डिस्प्ले में थी। और ये इनका वेयर हाउस भी है जिसको ऊपर नहीं जाना, ऊपर फ्लोर्स पे, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो है वेयर हाउस बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। और ये ट्रॉलीज़ आप देखें, रैक्स जो हैं ये 29 दिरहम के लगे हुए थे, तो ये अमेजिंग प्राइस है 29 दिरहम में। इसके ओरिजिनल प्राइस कुछ और थी, ये प्रोमोशन में लगे हुए थे। तो ये वेयर हाउस है इनकी, एक एक मतलब मैं कह सकती हूँ ये वन रूफ एरिया है जिसमें आपको हर एक आइटम मिल जाएगा, हर एक एक चीज़ जो आपके ऑफिस की हो या हाउस होम्स की हो, कुछ भी हो। फिर फाइनली हमने अपनी परचेजिंग कंप्लीट करी और फिर हमें नज़र आया कैफेटेरिया, क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो कैफेटेरिया हम पहुँचे। और ये फूड कोर्ट आइकिया का बड़ा फेमस फूड कोर्ट है, अगर यहाँ पर आप आएँ और शोरमा ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकती, क्योंकि आइकिया का शोरमा बहुत ज़बरदस्त यमी होता है। और रूहान इतने एक्साइटेड हैं क्योंकि इनका फेवरेट हमने मील जो है ना ऑर्डर किया था, और वो था हॉट डॉग, और ये था वेजिटेरियन हॉट डॉग, क्योंकि हमने नॉन वेज नहीं मंगवाया था, वेजिटेरियन मंगवाया था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वेजिटेबल और दालों का जो है ना ये सॉसेज रेडी हुआ हुआ था, और ये शोरमा था, काफ़ी स्पाइसी शोरमा था, बड़ा ही ज़बरदस्त था। सो आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।